इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर किसी नंबर को जैसे बाइनरी दिया गया है, बाइनरी से जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, इसमें रिफ्रेश मांग रहा है, रिफ्रेश करके देख लेते हैं, कुछ शायद कुछ गड़बड़ हो गई हो सकता है, कई बार हो जाता है ऐसा, इंटरनेट कनेक्टिविटी हिल जाने की वजह से कभी कभी लाइट चली जाती है। ठीक है, अभी शायद सही से सही तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करें, जैसे अपने कोई बाइनरी नंबर दिया गया है, उसको बोला गया है कि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या फिर उसको ऐसा बोला जा सकता है कि हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अभी क्या है, इसके अंदर अपन एक चीज देखेंगे कि ये सारे जो है टू के फॉर्म है, जैसे ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है। ठीक है, तो अपन ये जानने के लिए कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे अपन डायरेक्ट मतलब डेसिमल में कन्वर्ट किए बिना डायरेक्ट बाइनरी से ऑक्टल कर सकते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कर सकते हैं। तो ये ट्रिक जानने के लिए अपने को सबसे पहले इसके लॉजिक को समझना पड़ेगा, किस तरीके से ट्रिक काम करती है। तो इनमें अपन ने पहले समझा इनके बीच में कॉमन क्या है, ये सारी 2 की पावर है। ठीक है, उसके बाद इनके नंबर देखते हैं। बाइनरी जो होता है वो 0 और 1 की बिट से बनता है। ठीक है, 2 बिट रहती हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो 0 और 1 होता है। इसके अंदर जो रेंज लाई करती है वो रहती है 0 से 7, 0 से 7 तक करती है। इसके अंदर जो बिट रहती है वो कितनी रहती है, 3, 0 0 0 से लेके 0 0 1, इस तरीके से चलते 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 1 1 1, जिसका आउटपुट आता है 7। तो यानी कि जो इसके बीच में जो रेंज जो बिट बनती है वो 3 बिट की बनती है, कितने की, 3 बिट की। और यहाँ पे रेंज कितनी रहती है, रेंज यहाँ पे रहती है 0 से 15 तक, लेकिन इसकी जो बिट होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं, जैसे 1 2 3 4, 0 0 0, 0 0 1 1 1 1, 0 0, इस तरीके से चलते 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 आखिरी में जो आती है 1 1 1 1, इसका नंबर होता है 15। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी कितनी होती हैं, 4 बिट। तो इनके बीच में अपन को कॉमन क्या मिला, सबसे पहले ये मिला कि इसके अंदर 0 1 की बिट कितनी होती हैं, 2, इसके अंदर 0 1 की बिट कितनी होती हैं, 3, इसके अंदर 0 0 1 की कितनी बिट होती हैं, 4 बिट होती हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर जैसे कोई नंबर है, जैसे मान के चलिए 3 नंबर है, 3, ठीक है, इसको अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे, केवल इतना इतना लिख दो, ये बाइनरी में इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन इसी चीज को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से हो गया, ये बाइनरी में, लेकिन इसको ऑक्टल में अगर करना है तो ऑक्टल में इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को मालूम है कि ऑक्टल के लिए 3 बिट का होना जरूरी है, तो अपन क्या करेंगे, 0 1 1 लिख देंगे, ये अपना ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके अंदर 3 बिट हो रही है। अब इसको कोई बोले कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे, सिंपल है, 0 0 1 1 लिख दो, ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि नंबर एक ही है 3, उसको अपन को अगर किसी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, तो किस तरीके से कन्वर्ट करना है ये अपने को मालूम पड़ गया। अब अपन एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे इसमें डायरेक्टली कन्वर्ट होता है। जैसे अपन ने बाइनरी में एक बाइनरी छोड़ो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल का एक नंबर लेते हैं, जैसे कि 2 3 5, इसको बोला गया कि हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को जो मालूम है कि जो भी नंबर दिया गया है उसको अगर बाइनरी में इसके बिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके 3 3 के अंदर कन्वर्ट करना रहता है। तो 2 को किस तरीके से लिखेंगे, 3 बिट के अंदर, तो सिंपल तरीका है, अपन को करेंगे 0 0 1 0। 3 को किस तरीके से लिखते हैं, 0 0 1। 5 को किस तरीके से लिखते हैं, 5 को लिखने का तरीका है, याद रखो, जब भी अपन भूल जाए, जैसे मैं अभी थोड़ा फोन के चलिए मैं भूल गया, तो अगर मेरे को करना है तो मैं क्या करूंगा, 3 बिट है, 3 बिट को मैंने किया, यहाँ पे 2 की पावर 0 की, यहाँ पे 2 की पावर 1 की, यहाँ की 2 की पावर 2 की, तो अपने को क्या करना है, 5 चाहिए, एक 4 यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 1 0 1 करेंगे तो अपने को 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 के लिए क्या किया अपन ने, 1 0 1, तो अपना क्या जी ऑक्टल में अभी है, सॉरी हाँ ऑक्टल में ही है अभी है, लेकिन और इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में अपने को कन्वर्ट करना है। ठीक है,
बस अपन ये बोल सकते हैं कि बाइनरी में भी कन्वर्ट हो गया, अपन चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, अपने को 4 बिट का चूज करना है। क्या अपन ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि जो हेक्साडेसिमल का जो नंबर होता है वो 4 बिट का, तो अपने को क्या करना, पीछे से शुरू करनी है, 1 2 3 4 बिट लेनी है। जैसे अपन ने यहाँ पर कौन सी ली, 1 1 0 1 ली, इसका नंबर क्या आएगा, इसका आएगा 2 की पावर 0 करो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो कितना मिलेगा, 8 + 4 + 0 + 1 कितना मिला, 13। अब 13 इसमें कितना लिखते हैं, 13 इसमें D लिखते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ से एक वैल्यू उठाओ और 1 2 3 4 नंबर को फिर से पकड़ो, तो कौन सा नंबर मिला अपने को, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 और 0, अपने को ये वाला नंबर मिला। तो ये क्या है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो इस तरीके से वैल्यू कौन सी मिली, 8 मिली अपने को, ठीक है। इसके बाद जो वैल्यू है वो है 0 है। यहाँ पे जब अपने को पास नंबर नहीं मिलते हैं, अब जब याद रखना इस बात को, जब अपने पास नंबर खत्म हो जाए या फिर बिट खत्म हो जाए, तो इसकी जो आगे की बिट है इसमें हमेशा क्या भरेंगे, 0 0 0 ही भरेंगे। तो 0 0 0 तो देखा जाए तो क्या नंबर होता है, 0 ही होता है। तो इसको अगर हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, लिखने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा, 0 8 और डी और इसको 16 लिख दिया, तो ये क्या कन्वर्जन हो गया, ये हो गया ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे ऑक्टल की हर एक नंबर को उसके बिट में कन्वर्ट किया, 3 बिट में उसको कन्वर्ट करके देख लिया, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल में अपन प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर उसी बिट को अगर हेक्साडेसिमल में लिखना है तो लिखने के लिए अपने को 4 बिट लगती हैं। तो अपन ने क्या किया, अपन 4 बिट को सिलेक्ट किया, 4 बिट को सिलेक्ट करने के बाद उसका जो नंबर आया उस नंबर को देखा, उसके बाद अगली 4 बिट को सिलेक्ट किया, उसका जो नंबर आया उसको देखा, उसके बाद अगली 4 बिट को सिलेक्ट करेंगे, उसका जो नंबर आया उसको देखा। तो अपन ने डायरेक्ट बिना डेसिमल में कन्वर्ट किए हुए अपन ने डायरेक्ट ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से जैसे बाइनरी नंबर मान के चलिए, अगर ये बाइनरी है तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो भी मालूम पड़ गया। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। एक नंबर और देख लेते हैं, जैसे एक बाइनरी नंबर दिया है 1 1 1 0 0 1 1 1 1, इसको बोला गया कि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और डेसिमल का यूज नहीं करना है। तो अपन क्या करेंगे, पीछे से चलेंगे, अपन पीछे से 3 बिट को चुनेंगे, फिर पीछे से 3 बिट को चुनेंगे, उसके बाद फिर से पीछे वो 3 बिट को चुनेंगे। तो 1 1 1 कितना होता है, 7। फिर 1 1 1 के बाद 1 0 0 1 0 0 1 कितना होता है, 1। फिर उसके बाद 1 1 1 7। तो लो भैया हो गया, ऑक्टल में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो करना क्या था, सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 1 1 1 थी, इसका आउटपुट आता 7। फिर कितना आउट अपन ने चुना था, 3 बिट, वो थी 0 0 1, इसका आउटपुट आता है 1। एक और चुना अपन ने, उसका वो कितनी बिट है, 1 1 1, तो उसका कितना आउटपुट आएगा, 7। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से ऐसे में लिखेंगे तो क्या आएगा, 7 1 7, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप ये ट्रिक ये मान लो या फिर ऐसा मान लो कि इसको जो करने का तरीका है, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपको कन्वर्ट तो करना है लेकिन डेसिमल का यूज नहीं करना है, तो ये करने का तरीका आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। तो आगे से यूज करना, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।